वालेकुम वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे आज मैं बना रही हूँ वन पैन चॉकलेट केक ये बहुत आसानी से और बहुत सिंपल सी रेसिपी से बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये पैन केक की तरह बनेगा ज़रूर लेकिन इसका ज़ायक़ा आपको बिल्कुल चेंज लगेगा जैसे आपने किसी बेकरी से ऑर्डर किया हो ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है माशाला से और इसका बहुत अच्छा जायका है आप सालगिरह पर और या किसी भी ईद पर त्यौहार पर आप इसको बड़ी जल्दी से बना सकते हैं और ये बगैर बेकिंग के है मतलब आपको अवन यूज़ नहीं करना माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना सिर्फ़ आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसके अंदर आपने बना लेना है सबसे पहले मैं बना रही हूँ चॉकलेट सिरप जिसके लिए मैंने एक कप चीनी और आधा कप कोको पाउडर और एक कप पानी डाल के उसको बॉयल आने तक पकाना है और ये देखें सिर्फ जब बॉयल आने लगे और ये सिरप गाढ़ा होने लगे तो हम इसको उतार के साइड पर रख लेंगे और ये देखे जैसे जैसे इसमें बॉयल आ रहा है मैंने इसमें घर का बना हुआ एक चम्मच मक्खन ऐड कर दिया है क्योंकि इस सिरप को मैंने बहुत लंबा अरसा स्टोर तो करना नहीं है सिर्फ़ केक के ऊपर ही लगाना है तो इसलिए मैं इसमें घर वाला मक्खन ऐड कर सकती हूँ अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और ये देख के गाढ़ा होने के लिए मैंने अब इसको उतार के ठंडा करने के लिए साइड पे रख दिया है और अब बैटर तैयार करेंगे हम केक का सबसे पहले एक कप हमने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है और उसमें तकरीबन तीन टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ मक्खन डाला और एक टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है आपकी मर्ज़ी है अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो ना डाल लें मक्खन ही डाल लें और ये है जी एक अंडा इसके अंदर जाएगा और इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स और इसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ ये देखें ये हाफ़ कप चीनी है तकरीबन पाँच से छः टेबल स्पून होंगे और ये फोर्थ कप कोको पाउडर है और ये एक चुटकी या फोर्थ टीस्पून आप कह सकते हैं सॉल्ट है और ये है बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा है और ये है जी मैदा मेन चीज़ जो केक की जान है वो है मैदा अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्सर की मदद से कर लें या हैंड मिक्सर की मदद से कर लें इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से और फोर्थ टीस्पून इसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस इससे स्मेल बहुत अच्छी आएगी और एक फ्राइंग पैन लेंगे फ्राइंग पैन में मैंने कुछ भी नहीं ऑयल वगैरह नहीं लगाया क्योंकि ऑयल इसके अंदर मक्खन यूज़ है सिर्फ लो टू मीडियम हीट पे मैंने इसको हल्का सा गर्म किया उसके बाद मैंने इसको मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे ये देखें इतनी लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर आपने लगा देनी है लीड ये ख्याल करें कि जो आपका ढक्कन है वो बहुत अच्छे से बंद होने वाला हो पहले मैंने ये ढक्कन रखा तो ये मुझे इतना अच्छा मतलब बंद होने वाला नहीं लगा फिर मैंने अपनी जो ढक्कन था वो चेंज कर दिया आपने तकरीबन टाइम देख के दस से पंद्रह मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक अब मैं इसको मतलब करूँगी इसकी साइड चेंज करके भी आपको दिखाती हूँ तो आप खुद हैरान रह जाएंगे दस पंद्रह मिनट में केक बगैर अवन के कैसे तैयार हो सकता है प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करो और मुझे भी बताइएगा कैसा बना ये देखिए इसकी मैंने साइड चेंज की है तो बड़ी आसानी से इसकी साइड चेंज होगी और थोड़ी देर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है ये देखिए अभी भी सर्दी है तो धुएँ निकल रहे है इस पर तकरीबन बीस मिनट इसको रेस्ट लेने के बाद मैंने इस को ये देखें ये है चॉकलेट सिरप जो हमने घर पे तैयार किया है कोई ज़रूरत नहीं बाज़ार से लेके आने की बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है अगर आप ना भी डालेंगे तो वैसे भी चाय के साथ बगैर सिरप के भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये था इसके साथ ये बहुत सॉफ़्ट हो गया और मैंने क्रश की हुई चॉकलेट इसके ऊपर डाल दी जो बच्चों को बहुत पसंद आई प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ कि ये कैसा बना और इतना अच्छा बना था और इतना जूसी सा बिल्कुल चॉकलेट सा मज़ा दे रहा था हमें बहुत पसंद आया आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो और कमेंट्स पे बता दिया करें कि कैसा था और अपना बहुत सा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़